देखिए, खराब होने की वजह से काटे जा रहे हैं। देखिए जी, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? हम कहते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है सिंपल रेसिपी के साथ, जैसा कि आपसे हम शेयर करने वाले हैं। तो ये देखिए जी, हम काट रहे हैं आलू कटली रेसिपी, जो कि आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। ये हर घर में खाई जाने वाली रेसिपी है। ये देखिए जी, हमारे पोटैटो यानी कि आलू, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज सिंपल रेसिपी होने वाली है, क्योंकि आलू हमारे पास थोड़े से पड़े हुए थे। आपको पता है कि आजकल के हालात क्या चल रहे हैं और क्या नहीं है, लेकिन उन सबको हम भुला कर आपसे एक बात करते हैं आज का व्लॉग आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले हम पतीली में लेंगे थोड़ा कुकिंग ऑयल, ये देखिए जी, ये है प्याज जो कि हम इसमें डालने वाले हैं। हमने अंदर जरूरत काट ली थी, प्याज भी बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है और जाया भी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि खराब होने की वजह से ये डाल दी हमने कुकिंग ऑयल में प्याज। तो जब तक भी हम अपने आलू को काट लेते हैं, देखिए जी कसियों की तरह काटे जा रहे हैं। ये रेसिपी हर कोई बना सकता है, और क्या नाम है, के हम इसे शोरबे वाली बनाएंगे। वैसे भी शोरबे वाला खाने से पेट का निजाम भी ठीक रहता है, खुशक खाने से आपको प्रॉब्लम रहती है, ऐसी बात नहीं है। खुशक नहीं खाते, लेकिन खाते हैं, लेकिन बस शोरबे वाला ज्यादा बेहतर है। तो ये आलू हमारे काटे जा रहे हैं। दाल में की हमारी, ये देखे जी, ये देखे जी, हमने इसमें दाल दी, ये देखे सारे लूज स्पाइसेस में डल रहे हैं। तो देखे जी, ये हमारी रेड चिली यानी के चिली मिर्च पाउडर, ये पक रहा है, इसके बाद इसमें आलू डालेंगे। लाइट जाने में केवल 1 ही मिनट रह गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे आलू गलते हैं तो आपको फाइनल लुक दिखाते हैं हम यहाँ पर, ताकि हमारे आलू को कैसे वो आया है। हमारा आटा गूंदा जा रहा है यहाँ पर, ये आलू जी हमने चढ़ा दिए हैं यहाँ पर, पक रहा है कि आटा गूंदा जा रहा है यहाँ पर। तो जल्दी जल्दी से हम सारा अपना काम कर लेते हैं। आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अभी हम बीच में कई वीडियो ऐसे डालेंगे जो आपके पास हर रोज आया करेंगी, ताकि हम जल्द से जल्द यूट्यूब पे कामयाब हो सकें। हमें क्योंकि 8वां महीना भी हो चुका है, पर अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन खैर हिम्मत नहीं हार रहे हैं, लेकिन
बस अल्लाह के भरोसे रख के हम बनाए जा रहे हैं कि एक ना एक दिन हमारा भी दिन आएगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आप लोग प्लीज फुल वीडियो वॉच करा करें हमारी, जितने भी हमें देखने वाले हमारे प्यारे बहन भाई हैं जहाँ से भी देर पर देर से देख रहे हैं हमारी वीडियो को, फुल वॉच करा करें, लाइक करा करें जितना हो सके, सब्सक्राइब करा करें और प्लीज शेयर भी करा करें ताकि जल्द से जल्द हम आपकी सपोर्ट से आगे बढ़ सकें। जल्दी आटा भी हमारा हो रहा है। नहीं चले जी, आटा जी हमारा कंप्लीट होने वाला है। जी फाइनली हमारे आलू बन के होने वाले हैं तैयार। देखिए जी अम्मी जान चम्मच चला रही हैं इसमें, तो अब हम अपने बाकी रोटियों की तैयारी करेंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अपनी मिर्चें। ये देखिए जी हमने डाल दी हैं इसमें मिर्चें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया हम बाद में डालेंगे, इसमें हमने पानी पानी डाल दिया ताकि ये गलने के लिए और रहता है, शोरबा इसमें आ जाए अच्छे तरीके से ताकि ये जान हो जाए। अच्छा सा कलर देखें आप इस पर आ गया है, तो ये देखिए जी अब इसमें थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया है, तो क्या आलू ही थे हमारे पास एक आखिरी में, उसी को हमने बनाया है। तो जी ये देखें अम्मी जान नमक चेक कर रही हैं इसमें जी, नमक का क्या सूरत हाल है इसमें। तो जी मुझे तो लग रहा है वैसे सही हो, लेकिन अम्मी जान चेक करके बताएंगे अब इसमें नमक कैसा है कैसा नहीं है। तो जी नमक बिल्कुल कम है, तो अम्मी जान और नमक डालने वाली है इसमें। ये देखिए जी सारण भी हमारा ये डाल दिया है, नमक इस अच्छे से मिक्स कर लिया है और जब भी मिक्स करके इसको बस पकाने रखेंगे दोबारा और हम जल्दी से अपनी रोटियों की तैयारी करेंगे जो कि आपको दिखाने वाले हैं हम लोग। ये देखिए जी अब हमने अपने सारण को मिक्स कर लिया है और अब बस इसको साइड पे करेंगे। और ये जी हमने इसमें धनिया पत्ती ऐड कर दी है और अब सारण का लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत एंड अच्छा सा बढ़िया बढ़िया सा आ गया है। तो ये देखिए जी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये देखिए जी चले जी अब इसको हम थोड़ा साइड पे करेंगे। जैसा कि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, ये हम रोटियों की तैयारी कर रहे हैं अपनी। देखिए जी अम्मी जान ने पेड़े बना लिए हैं, इसी के साथ ही पेड़ों को बच्चे से बेलने वाले हैं। और इतनी गर्मी हो रही है कि तवे का धुआं तक भी हमें लग रहा है, तपिश बहुत हो रही है और पंखा तो पहले ही बताया आपको हमारे पास है नहीं, तो बिना पंखे के गुजारा कर रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए जी रोटियाँ बेल रही हैं, जल्दी जल्दी से अपनी रोटियाँ तैयार कर लेते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। ये देखिए जी हमारी पहली रोटी बस बनने पर आ रही है, गैस भी बिल्कुल कम हो चुकी है इसी वजह से, क्योंकि लोग जनरेटर ऑन कर रहे हैं लगातार, इसी वजह से गैस बहुत कम हो गई है और लाइट का कुछ पता नहीं होता। अभी हमारी आ रही है तो पड़ोस की तरफ की गई हुई है लाइट, इस तरफ हमारा सारण कितना ज़बरदस्त तरीके से बन के तैयार हो रहा है। तो बस सारी यही बात है जो आप लोगों से हम शेयर करते हैं, ये जी रोटी को पलटा जाएगा। और जी आप लोगों की तरफ का मौसम कितना गर्म और सर्द हो रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो कि आप लोगों की तरफ भी सेम टू सेम मौसम, क्योंकि गर्मी कहीं कम हो रही है कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं बारिश हो रही है और कहीं तेज़ हो रही है। यहाँ तो बारिश का बोला है पर अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, तो बस इस तरीके से हमारा हाल चल रहा है। तो ये देखिए जी रोटी बन रही है हमारे यहाँ पर, दूसरी रोटी अम्मी जान बेल रही हैं और गैस बहुत ही ज़्यादा कम है देखें, वरना रोटियां अब तक दो बन जाती है इस पर, लेकिन अभी भी देखें नहीं बन रही है। देखें गैस की सूरत हाल ये चल रही है, जाहिर सी बात है लोग जनरेटर ऑन कर लेंगे तो भला गैस कहाँ से आएगी, और अब गैस की लाइन भी एक है और बिल भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं कि बंदा थक जाए बिल भर भर कर, बिजली के फिर गैस के भी हम गरीब बंदा कहाँ जाए। तो ये देखिए जी रोटी हमारी बन गई और दूसरी रोटी की तैयारी होने वाली है जल्द अज जल्द, ताकि हम आपको वो भी दिखाएं। ये देखिए जी माशाल्लाह पूरी पुली सी, देखें साइडों से अब कच्ची हो रही है अभी भी, क्योंकि गैस ना होने की सूरत में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये फाइनली बनके तैयार होने वाली है, ये देखिए जी
ये दूसरी रोटी बनने जा रही है। और ये देखिए बेला, बाहर तो इतनी धूप हो रही है, इस कदर की धूप के खड़ा नहीं हुआ जा रहा है कि बाहर रोटी खुद ही बन जाए। तो बस यही बातें हैं, बस रोजमर्रा के काम है जो आपसे शेयर करते हैं। बस आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे हमें उतनी ही जल्दी हौसला अफजाई मिलेगी और हम जल्द से जल्द यूट्यूब पे कामयाब हो पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मोटिवेट करेंगे जल्द से जल्द। ये देखिए जी, हमारा सारा ने चेक करा है कैसे उबल रहा है इस तरीके से, देख लीजिए ये रोटी हमारी पलटी गई है। सारे कुछ करें, गर्मी इतनी है कि अम्मी जान की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो इसी वजह से। ये देखिए जो धनिया डाला है हमने बाकी का बचा हुआ, देखिए इसमें अच्छे से एक जान हो जाए। ये देख लीजिए फाइनल। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ब्लॉग हमारे बहुत पसंद आते होंगे, आप लोग कमेंट भी करके हमारी हौसला अफजाई भी करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर हमारी फुल वीडियो वॉच करके ताकि देखें हम जल्द से जल्द यूट्यूब पे कामयाब हो सकें। वैसे हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, बस आप लोगों की ही सपोर्ट की ज़रूरत है कि जितने लोग भी हमें देख रहे हैं हमें फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जल्द से जल्द करा करें अपने पड़ोसियों में, अपने बहन भाई में, अपने रिलेटिव में, ताकि हमारी वीडियो वॉच कर सकें और हम जल्द से जल्द यूट्यूब पर कामयाब हो सकें। और प्लीज़ हमारी फुल वीडियो वॉच करा करें आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए। इंशाल्लाह आप लोग तक तो वीडियो आप लोग देखें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो ये जी हमारी रोटी बनके तैयार हो चुकी है, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।